हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप इस समय मेरे पीड़ित हैं। तो दोस्तों, ये तुलसी की नर्सरी है, हमने तैयार की है। अभी ये 15-20 दिन बाद लगाने लायक हो जाएगी, अभी लगाने लायक नहीं है, निकल चुका है। दोस्तों, इसके हम जो इसमें खरपतवार हुआ है, ये देखिए, ये खरपतवार हुआ है, ये जो खरपतवार है ये अभी हम दूसरी बार निकालेंगे और हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ क्यारियों का कल खरपतवार निकल गया है, जैसे कि आप देखिए इन क्यारियों का खरपतवार निकल गया है, सारा खरपतवार हमने हाथ से निकाला है। इसका सीड उतना अच्छा अंकुरित नहीं हुआ था, इसलिए इसका सीट कम जमा है इन तीन क्यारियों में। इन तीन क्यारियों में सारा रामा सीड है ये, और ये जो तीन क्यारियां आपको दिख रही हैं, इन तीन क्यारियों में सबसे ज्यादा सीड जमा है। ये देखिए कितना जोर से सीड जमा है। अभी आज हम इसका खरपतवार निकालेंगे। आज का मौसम बहुत ठंडा है, धूप भी नहीं है, बारिश की संभावना ज़्यादा पाई जा रही है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से खरपतवार निकाला जाता है। और दोस्तों, खरपतवार निकलने के बाद जो ये खेत जुता हुआ पड़ा है, इसमें 3 बार जुताई हो चुकी है, 2 बार जुताई और करके सारा जो ये आपको चारा दिख रहा है, चारा छानबीन करके हम लोग बाहर कर देंगे और उसको भी या तो मिट्टी में गला देंगे। फिर इसमें बारिश होगी तो बारिश के बाद एक एक डेढ़ हाथ पे हम इसको लगा देंगे और वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार हम लोग लगाते हैं। तो ये देखिए, आपको तुलसी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें।